कच्चे तेल में उछाल और ये जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके पहले की है, तो उसको फैक्टर नहीं किया इन्होंने, लेकिन ONGC और ऑयल इंडिया को ये अपग्रेड कर रहे हैं। हालांकि प्राइस टारगेट इन्होंने काटा है, ONGC पे 220 से काट के 175, ऑयल इंडिया पे 255 से काट के 205 का किया है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के दोनों ही टारगेट ऊपर है। इनका दरअसल कहना है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट है जिसके कारण आपको इन कंपनियों के ट्रेंड में जो अंडर परफॉर्मेंस है उसमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा, और खासकर आगे जो वॉल्यूम्स है, फ्री कैश फ्लो जनरेशन है और डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी रोबस्ट रहने वाली है। इसके लिए यहाँ आप अपग्रेड कर रहे हैं। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर के टारगेट है, लेकिन प्राइस टारगेट काटे गए हैं। अब IT सेक्टर पे क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है जो कह रहा है कि Q3 में IT सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है थोड़ा म्यूटेड रहने वाला है, खासकर BFSI और रिटेल सेगमेंट जो है वहाँ वीकनेस के कारण ओवरऑल IT सेक्टर के नतीजे थोड़े कमजोर रहेंगे। इन्फोसिस पे अंडर परफॉर्मर का कॉल है, TCS विप्रो पे न्यूट्रल का कॉल है, और HCLTech टेक महिंद्रा L&T पे ओवरवेट का कॉल है। प्राइस टारगेट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वही मैक्वेरी भी ये कह रहा है कि Q3 के नतीजे जो है IT कंपनीज के थोड़े ठंडे रहने वाले हैं। हालांकि HCLTech इनका टॉप पिक है Q3 के लिहाज से, और मिड कैप IT पे L&T इन्फोटेक जो है वो इनका टॉप पिक बना हुआ है। मेरिको कल इस कंपनी ने अपने Q3 के अपडेट दिया, उसके बाद गोल्डमैन या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं 303 के प्राइस टारगेट। इनका कहना है कि अक्रॉस चैनल स्लोडाउन जो है वो देखने मिला है, और ये इम्पैक्ट जो है बाकी कंपनीज पे भी करेगा, बाकी FMCG कंपनीज पे भी करेगा। हालांकि मार्जिन जो है वो ठीक ठाक रहने का अनुमान है। वही मैक्वेरी जो है आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है 430 के प्राइस टारगेट के साथ। अपोलो हॉस्पिटल कल स्टॉक काफ़ी फोकस में था मार्केट में, और यहाँ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जो ओवरवेट का कॉल दे रहा है 1667 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि जो इंश्योरेंस में स्टेक सेल कर रहा है उसका फाइनल नॉट मिल गया है, इसका काफ़ी फायदा इस कंपनी को मिलेगा। जो नेट कैश मिलेगा वो प्रमोटर जो है अपना डेट कम करने में यूज़ करेंगे।